नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीएम सिटी करनाल में आए और सौगातों की बारिश कर गए। मुख्यमंत्री ने करनाल में 585 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया व शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसका पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी लाभ मिले। उन्होंने वीरवार को करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम से 1363 करोड़ रुपए की करनाल, पंचकुला व जींद जिले की 56 परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास व उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 263 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले करनाल शुगर मिल के विस्तारीकरण कार्य का भी भूमि पूजन किया। उन्होंने लोगों से आने वाले विधानसभा चुनाव में पिछले 5 वर्षों के विकास कार्य को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सीएम ने जींद व पंचकुला के उपायुक्त व विधायक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उनके जिले में शुरू की गई परियोजनाओं का फीडबैक भी लिया। इस मौके पर राज्य मंत्री करण देव कांबोज, विधायक हरविंदर कल्याण, भगवान दास कबीरपंथी, सरदार बख्शीश सिंह, मेयर रेणु बाला गुप्ता, ओएसडी अमरिंदर सिंह, जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद सहित भाजपा जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और इसी प्रकार सेक्टर 20-21 और 24-26 को जोड़ने वाली सड़क गर्नदी पुल के निर्माण का शिलान्यास 50 करोड़ 37 लाख रुपए। ऐसे ही सेक्टर 31 पंचकुला सामुदायिक भवन 4 करोड़ 42 लाख रुपए और माता मनसा देवी मंदिर प्रांगण कला सांस्कृतिक कार्य विभाग, इसमें सुप्रद शिलान्यास द्वारा रचित समकालीन कलाकृतियों का अनावरण, ये 25 लाख रुपया। तो इस प्रकार 3 शिलान्यास और 1 अनावरण, ऐसे 4 प्रोजेक्ट कुल मिलाकर के ये भी 705 करोड़ रुपए की योजनाएं समाप्तियाँ हुई। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत प्रतीक्षित योजना का उद्घाटन आपने किया है। झुग्गी झोपड़ी वालों का बहुत बहुत इससे विकास और भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, उसमें नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज, इनका 2 का भी आज उद्घाटन किया गया है, जो लगभग 27 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट है। ऐसे ही जो शिलान्यास हुए हैं उसमें त्रावड़ी में 50 बिस्तरों का अस्पताल का शिलान्यास, ये 16 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। इसी प्रकार गरोंडा की स्वीकृत 21 नई जो कॉलोनियां हैं उनकी जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था के लिए 10 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किया गया है। महाग्राम योजना, जिनकी आबादी 10,000 से ज़्यादा ऐसे जो गाँव हैं उनमें निगदू के जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का शिलान्यास किया गया, जिस पर 14 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ऐसे ही करनाल नगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी की निकासी जो ड्रेन नंबर 1 और ड्रेन नंबर 2 से जोड़ने का जो कार्यक्रम है, इसका एक बहुत महत्व इस प्रकार से है कि वहाँ के इलाके की ड्रेन नंबर 2 के आसपास लगभग 500 एकड़ जमीन वो हर वर्ष पानी में डूब करके खराब हो जाती थी। तो इस दोनों ड्रेन्स को जोड़ने का ये जो कार्यक्रम होगा, इससे 500 एकड़ जो ज़मीन है उसको हम बचा पाएंगे और ये जो अंडरग्राउंड 3 किलोमीटर पाइपलाइन है ये उसका शिलान्यास किया गया, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। ये समस्या बहुत पुरानी, लगभग 50 साल पुरानी ये समस्या थी, जिसको आज शिलान्यास करके और बहुत जल्दी इसको जोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए, एक लोगों को इसका लाभ होगा। करनाल की जो चीनी मिल है इसकी अपग्रेडेशन की मांग 20 साल पुरानी मांग थी, जिसको हमने आकर के उसको 35,000 क्विंटल प्रतिदिन की क्षमता का आज भूमि पूजन करके उस मिल का शिलान्यास किया है और मैं समझता हूँ ये भी 1 वर्ष के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार बड़ी योजनाओं में जैसा हमने बताया, जींद की जो उठान योजना डूमरखा और स्वर्ण कला, इसमें 9.5 करोड़ रुपये की योजना, इसका भी आज शिलान्यास किया गया है। उचाणा शहर नरवाणा का जो जींद सड़क को मिलाने वाला उचाणा बाईपास है, जिसका बताया गया 58 करोड़ में हम लोगों ने इस प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई थी, पहली बार
पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार, और लगातार 5 साल हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं, चाहे वो विकास के काम हो और चाहे रोजमर्रा की हमारी जनजीवन की ऐसी चीजें जो सरकार के साथ या विभिन्न संस्थाओं के साथ जो संबंध आता था, जिसके अंदर हमारी मुश्किलें कठिनाइयां कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस सिस्टम्स की थी, उनको हल करने के लिए हमने सिस्टमेटिक चेंजेस व्यवस्था परिवर्तन के काम किए, जिसमें से भ्रष्टाचार कम हुआ, समय कम लगा और बहुत ही साधारण तरीके से हम अपनी योजनाओं का लाभ सरकार से ले सके, अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सके और सरकार की ओर से उन योजनाओं का जो प्रत्युत्तर है वो सब दिया जा सका। ये योजनाएं हमने 5 साल लगातार बनाई हैं विभिन्न वर्गों की खुशहाली के लिए, चाहे फिर वो ये है। मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता को पसंद आए हैं, क्योंकि मैं जो यात्रा करके आया हूँ अभी 15 दिन लगातार यात्रा में रहा, 5 दिन जो मेरे बीच की छुट्टियों के थे सब जोड़ दे तो 20-21 दिन का ये कार्यक्रम था। जनता का अभूतपूर्व प्यार मिला है, अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला है, सोचा भी नहीं था इतना। और हम तो 75+ की बात करते हैं, जनता अपने आप आगे आगे बोलने लग जाती है और कुछ तो उत्साह में आकर के 90 पार करने लग गए। मैंने कहा 90 पार तो होती नहीं भैया, तो हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी हमने 75 का लक्ष्य रखा है, बाकी जनता पर छोड़ा है। जनता कहां तक पहुंचती है ये जनता का काम है। हम तो सबसे आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा निकाल ली, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। आपसे भी निवेदन ये है, खास करके करनाल विधानसभा के लोगों से, चूंकि मेरा जो दायित्व है उस नाते से जितना समय एक विधायक को अपने क्षेत्र में लगाना चाहिए उतना पहले भी नहीं लगा पाया और चुनाव के दिनों में भी संभव हो नहीं पाएगा, इसलिए करनाल वासियों को तो मैं यही कहूंगा कि करनाल वासियों, जैसे कहते ना ये वतन आपके हवाले, मैं कहता हूँ करनाल आपके हवाले। इस करनाल में मेरा समय जहाँ तक जितना संभव होगा लग पाएगा, लगे लगा पाऊंगा जितना लगाऊंगा, अन्यथा आप सब इस चुनाव में स्वयं मनोहर लाल बन करके और आप चुनाव में आगे आए, जनता को संपर्क करें और इस चुनाव के बाद एक अच्छा रिजल्ट जब निकलेगा पूरे हरियाणा का करनाल का, तो हम लोग आप मिल करके फिर बैठ करके जितनी भी बातें रह गई उसके ऊपर विचार करेंगे, जो आपके सुझाव होंगे जो आपकी तरफ से बातें आएंगी उनको सबको एक एक करके फिर आगे बढ़ाएंगे, उनको हल करेंगे। आज इस अवसर पर पुनः मैं तीनों जिलों को, चाहे करनाल है चाहे जींद है चाहे पंचकूला है, इन सब प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास उद्घाटन के अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपने क्या कुछ बताना चाहेंगे, 10 करोड़ का ऑडिटोरियम मिला है और शुगर मिल का नवीनीकरण जो काफ़ी समय से रुका हुआ था उसको भी आज पूरा किया है। देखिए ऑडिटोरियम भी शुगर मिल भी ऐसे सब मिला करके करनाल के कोई 585 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं आज उनका शिलान्यास तथा उद्घाटन हुआ है। साथ ही जींद जिले के 4 और पंचकूला जिले के भी 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं। पंचकूला का 7500 मकान का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो 650 करोड़ रुपये का, उसका भी शिलान्यास हुआ। वैसे आज के अवसर पर कुल मिलाकर के 1563 करोड़ रुपये के सारे। सर आचार संहिता लगने वाली है कल से, तो किस तरह का दिनचर्या रहेगा एक बतौर मुख्यमंत्री और बतौर पूर्व मुख्यमंत्री, किस तरह से रहेगा? क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अगली बार की तैयारियों में जुट जाते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, लेकिन जो इलेक्शन शुरू हो जाता है कार्यभार रह जाता है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? काम होते हैं जैसे लोकसभा के समय आचार संहिता लगी थी उसमें सरकारी जो कार्यक्रम है वो नहीं बनते हैं, लेकिन पार्टी के जितने कार्यक्रम है उसमें बनेंगे। और उस नाते से कोई ऐसी अकस्मात सरकार की ओर से भी कोई विषय आता है उसमें भी मुख्यमंत्री को इतनी छूट होती है कि अकस्मात कामों में कोई योजना बना करके की जा सकती है, अथवा सरकार के अधिकारियों की ओर से कोई निवेदन आता है तो किया जा सकता है। रूटीन में जो कार्यक्रम होते हैं वो नहीं। सर मैदान खाली है, अकेले रेस में आप दौड़ेंगे तो पहले ही नंबर भी आएंगे? मैदान खाली है तो आएंगे ही, लेकिन मैदान में बिल्कुल खाली रहेगा ऐसा नहीं, कुछ लोग आएंगे और चुनाव चुनाव होता है, चुनाव को अच्छे ढंग से लड़ेंगे, ऐसा तो मुझे थोड़ी कि बिल्कुल चुनाव में कोई है ही नहीं, सरसमुद चुनाव नहीं है, चुनाव में मैदान में आएंगे तो हमें करना है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।